الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصرين آمين. हमारी गुफ्तगू हो रही थी फस्से यूनुसिया के मुतालिक। इब्ने अरबी ने फस्से यूनुसिया के साथ मंसूब किया था हिकमत नफसिया को। नफस के ऊपर हम गुफ्तगू कर चुके हैं, नफस और नफ्स है या नफस है, ये गुफ्तगू हो चुकी है। अब इब्ने अरबी दर हकीकत तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से एक नुक्ता उठाते हैं, उस नुक्ते को उठाकर पूरी इरफानी बहस उसके ऊपर एक मौजू के मुतालिक कर देते हैं। अच्छा, इस फस में चूँकि यूनुस अलैहिस्सलाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से नाराज़ होकर पुश्त करके चले गए थे कि जब देखा ये लोग नहीं मान रहे, चले गए, अल्लाह से बद्दुआ अजाब की दरख्वास्त की और चले गए। तो फरमाते हैं कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से पुश की थी, तो इसका मतलब ये था कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो मर्तबा इंसानी जो इंसान के अंदर था, उस मर्तबा इंसानी को से पुष्ट की, उसको छोड़ दिया यूनुस। तो जब उसको छोड़ा तो फस्से यूनुसिया का आगाज भी इब्ने अरबी फरमाते हैं, मैं इस तरह करता हूँ कि आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये नशे इंसानी मर्तबा इंसानी कितना करीम और मोहतरम है कि जिसके एहतराम और करामत से मैं अपनी इस फस का आगाज करता हूँ कि यूनुस अलैहिस्सलाम इंसान को अल्लाह ताला जिस तरह पहले बयान किया था कि इंसान मुरक्कब है बदन और रूह से, रूह जिसे नफ्स नातका भी कहा जाता है, तो रूह के मुतालिक अल्लाह ने फरमाया कि कुल रूहों में अमरे रब्बी, रूह अमरे रब्बी है, व नफख्तु फीहि मिन रूही, वो मेरा रूह है, मैंने अपनी रूह फूंकी। तो वो जो अल्लाह की रूह है, अल्लाह ने अपनी रूह इंसान के अंदर फूंकी, तो ये जो नफ्स नातका इंसान के अंदर है, इस नफ्स नातका का इतना एहतराम और इतनी अहमियत है, इतनी करामत है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को खल्क किया तो उसकी ज़ात मुहतरम ही इसी मर्तबे इंसानी जिसे नफ्स नातका रूह कहा जाता है, इसकी वजह से आए। और यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन अपनी कौम के अफ़ाल को तो देखा, लेकिन जात के अंदर जो चीज थी, उसको छोड़कर चले गए। दर हकीकत होना ये चाहिए था कि यूनुस अलैहिस्सलाम भी उस मर्तबा इंसानी का एहतराम करके उसको मुकदम करते। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उस मर्तबे को तमाम जाहरी और बातनी कमालात के साथ, रूहानी जिस्मानी नफसानी कमालात के साथ खुद खालक किया है, उस अल्लाह ने खुद उसको तख्लीक किया, खुद बनाया उसको। फरमाया वन फख्त फीहे मिन रूही, फिर उसे अपनी सूरत पे करार दिया। अब सूरत हक से मुराद जिस तरह फरमाते हैं इब्ने अरबी खुद फसूस में कई मुतअद्दिद मकामात पर कि सूरत हक से मुराद वो सूरत मानवी और उसकी सिफात कमालिया है कि जिसका मबदा फाइली और जिसकी दरूनी और बातनी सूरत इलाही है, जिसका फाइल खुदा है
और जिसकी बातनी और दरूनी सूरत वो इलाही है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कुले रूहो मिन अम्री रब्बी वला फख्तु फीहे मिन रूही, वो रूहे खुदा थी, रूह इलाही थी, तो वो उसकी इंसान की जो सूरत दरूनी है, अंदरूनी सूरत वो इलाही है। तो वही वही उसी की को ही साहबे करामत बनाया गया है, दर हकीकत उसी का ही एहतराम है, वही मोहतरम मुकर्रम है। जब वही मोहतरम मुकर्रम है तो अब दूसरा नुक्ता इब्ने अरबी फरमाते हैं कि अब उसका इन्हिलाल भी, यानी उसको खत्म करने करना भी, खत्म करने की जिम्मेदारी और खत्म करने का जो काम है वो उसकी जो सरपरस्ती है वो भी खुदा के पास है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। नफ्स नातका या रूह, उसको मुनहाल और नाबूद करना वो भी अल्लाह उसको मुख्तस करार दिया है, उसकी मुबाशरत से ये काम या मुबाशरत के बगैर ये, जिस तरह अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि यह तवफ अल्लाह हो यह तवफ फल अनफोस, जब अल्लाह मौत देता है तो अल्लाह मौत के वक्त अनफ नातका को उठा लेता है, तो ये जो नफूस से नातका को उठाना ये अल्लाह फरमाता है इसका फाइल ले मुबाशिर मैं हूं, मुस्तकीम फाइल जो है डायरेक्ट फाइल वो मैं हूं। जब अल्लाह ताला की दात है तो उसका उसकी नाबूदी और उसका इन्हें हाथ होना चाहिए या उनके हाथ होना चाहिए कि जिनको अल्लाह ने अपने अम्र से मुअय्यन किया है वो फरिश्ते, कि जो उसके अम्र के बगैर काम नहीं कर सकते। तो फरमाते हैं कि पास मर्तबा इंसान कि जिसे नफ्स नातका या रूह कहा जाता है, उसको मुनहल और खत्म करने का मुतवल्ली और सरपरस्त वो अल्लाह ताला की जात है, या वो कि जो अल्लाह के अम्र से काम करते हैं, अल्लाह के अम्र के बगैर काम नहीं करते। बस जब ऐसी बात है तो जो भी अल्लाह के अम्र के बगैर ऐसा करेगा, दर हकीकत उसने इस नशा और मर्तबा इंसानी से तअद्दी और तजावुज किया है, इस हद इलाही से तजावुज किया है। जब हद इलाही से तजावुज है तो उसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला कि जिसकी जिस पे अल्लाह ताला ने इंसान की इमारत खड़ी की थी, जिस पे अल्लाह ताला ने इमारत का फरमान दिया था, उसको खराब करने की दर हकीकत वो तलाश करता है। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि आप इसकी क्या कहते हैं इमारत जो है, इसकी इमारत को खराब ना करें, इसकी ये रूह है और इसी रूह के ऊपर ही इंसान की इमारत खड़ी है, तो जब इसी रूह के ऊपर इंसान की इमारत है तो इसको खराब करने की जो तलाश करता है वो दर हकीकत अपने नफ्स पे जुल्म करता है, दर हकीकत वो अपने नफ्स पे जुल्म करता है। जिस तरह अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है सूरह तलाक की आयत नंबर 67 में 67 में कि वमन यतअद्दा हुदूद अल्लाह फका जालम नफ्सा, कि जो अल्लाह की हद हुदूद इलाही से जो तजावज करेगा वो अपने नफ्स पे जुल्म करता है। बस खुलासा खुलासा ये हो गया कि इस बहस का यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो बनाया है उसके अंदर जो रूह और नफ्स नातका को रखा है वो दर हकीकत
खुदा की रूह है, वनफख्तु फीहि मिन रूही कुल रूहु मिन अम्री रब्बी। और जब अल्लाह ताला की यानी उसकी बातनी और रूहानी जो सूरत है वो इंसान की, वो वही रूह है। तो अब रूह का जो डायरेक्ट फाइल है वो अल्लाह ताला की जात है, क्योंकि खुद अल्लाह फरमाता है वनफख्तु फीहि मिन रूही, मैंने इंसान का जिस्म बना के उसके अंदर रूह फूंकी। तो जब डायरेक्ट फाइल उस नफ्स और रूह का अल्लाह ताला की जात है, तो बस उसको खत्म करना, खत्म करने की जिम्मेदारी भी अल्लाह ताला की है, उसके बगैर कोई उसको खत्म और नाबूद नहीं कर सकता। तो बस जो इंसानों को कत्ल कर देते हैं, इंसानों की रूह को नाबूद करते हैं या नाबूद करने की तलाश करते हैं, वो हकीकत हुदूद इलाही से तजावुज करते हैं। और जो हुदूद इलाही से तजावुज करता है वो दर हकीकत अपने नफ्स पे जुल्म करता है। यहाँ तक ये इब्ने अरबी की बहस का, इंसानी इंसान का वो मर्तबा इंसानी क्यों साहिबे करामत है, उसको क्यों मोरद तकरीम वो चीज है। वलकद करमना बनी आदम, हमने बनी आदम को साहिबे करामत बनाया है, यानी साहिबे तकरीम बनाया है। अब यहां तक जब बात साबित हो गई, तो अब दूसरी बात, जब इब्ने अरबी फरमाते हैं कि ये इन्हलाल रूह को खत्म करने की जिम्मेदारी और ये इख्तिसास जब अल्लाह ताला के साथ है इस चीज का, तो अब मैं आपके पास कुछ आयात और अहदीस से शवाहिद पेश करता हूं कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ये फरमाता है कि अगर आप मेरे बंदों पे शफकत, रऊफत और मेहरबानी करेंगे, तो ये उस कत्ल से बरतर है जो गैरत फिल्लाह के नतीजे में अंजाम पाता है। यानी अल्लाह ताला इस मर्तबा इंसानी को के इस्तिमरार को इसके इन्हलाल पर मुकद्दम अल्लाह ने मुकद्दम किया है। यानी अल्लाह ये चाहता है कि ये इंसान जो उस जिसके अंदर वो मर्तबा इंसानी, नशा इंसानी मौजूद है, मुराद वो मर्तबा इंसानी, उसको आगे जारी होना चाहिए, उसको कंटिन्यू होना चाहिए, उसको उसका इस्तिमरार होना चाहिए। जो उसके इस्तिमरार को खत्म करता है, तो उसके खत्म और इन्हलाल पर इस्तिमरार को अल्लाह ने मुकद्दम किया है। तो बस जो कत्ल लोग करते हैं गैरत फिल्ला में, जिस तरह हम शरीयत में भी लोग गैरत में आके कत्ल कर देते हैं, तो अब उस वक्त जो कत्ल कर रहे थे, अल्लाह इब्न अरबी फरमाते हैं वहां पे भी आपको हुक्म ये है, वहां पे भी होना ये चाहिए, चूंकि अल्लाह ये चाहता है कि चूंकि वो मर्तबा इंसानी, उसका फाइल मुबाशिर खुदा है, तो इन्हलाल भी खुदा की जिम्मेदारी है। नाबूदी उस रूह और नफ्स नातका की नाबूदी की जिम्मेदारी और भी खुदा बंदे करीम के साथ मुख्तस है। जब अल्लाह के साथ मुख्तस है, तो जो इंसान किसी इंसान को कत्ल करता है, चाहे वो गैरत में आके, चाहे जो भी उसके सबब हो, तो दर हकीकत उस कत्ल पे वो शफकत और रऊफत क्या है इब्ने अरबी की निगाह में, वो मुकद्दम है। फरमाते हैं अल्लाह ये चाहता है कि इस मर्तबा इंसानी को मुस्तमर और जारी रहना चाहिए, न कि उसको खत्म करने और नाबूद करने की कोशिश की जाए। तो बस इस नजरिए को मानेंगे तो ये इरफानी नजरिया ये कहता है कि जो इंसान के कत्ल जिस हवाले से भी हो, ये जो कत्ल करते हैं लोग किसी को, चाहे मजहब उसकी बुनियाद हो, चाहे मजहब के अंदर तअस्सुब हो, चाहे गैरत नामूसी हो, गैरत दीनी हो, गैरत कौमी हो, जो भी गैरत, जो भी उसका सबब है, कहते हैं हर हर सूरत में अल्लाह ये चाहता है कि आपको हक नहीं है कि आप उस
उस इंसान को कत्ल कर दें जिसके अंदर जिसकी दरूनी सूरत इलाही है, यानी वो नफ्स नातका रूह, और वो चूंकि उसके फाइल मुबाशिर खुदा है तो नाबूद और मारना भी खुदा का काम है। किसी इंसान को हक हासिल नहीं है किसी दूसरे इंसान को कत्ल करे, चाहे उसकी बुनियाद सबब तो कोई भी चीज हो। अब इब्ने अरबी ये नजरिया कायम करके इसके ऊपर फिकह से अहदीस कुरान से एक एक चीज लाते हैं और फरमाते हैं नहीं, सबसे मुकद्दम उस मर्तबा इंसानी के को जारी रहना ये मुकद्दम औलवियत रखता है उसके कत्ल पर, उसके इनहलाल पर, उसके को नाबूद करने पर। तो बस इंसान को नहीं चाहिए कि किसी दूसरे इंसान को कत्ल करे, चाहे जो भी मजहब हो, जो भी उसकी बुनियाद। तो अब इससे बड़ी जबरदस्त चीजें वो पेश करते हैं इब्ने अरबी। पहली चीज कहते हैं, पहला इसके शवाह है, बैतुल मुकद्दस की जो बुनियाद रखी थी अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान नबी के हाथ, फरमाते हैं कि जो कुछ शाहिद, पहला शाहिद ये बयान करते हैं, कहते हैं जो कुछ तारीख में नकल आए, चाहे हम इसको शायद न माने इसराइलियात में हो, लेकिन ये एक दास्तान है कि जो दास्तान अपने मुद्दा पे इब्ने अरबी बयान करते हैं। वो फरमाते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम जो हजरत सुलेमान नबी के वालिद थे, दाऊद ने ये चाहा कि बैतुल मुकद्दस की बुनियाद रखे, और अब बैतुल मुकद्दस को दाऊद ने तामीर करना चाहा। तो कहते हैं कि जब तामीर के लिए इकदाम किया, जब भी उसको तामीर करने से फारिग हो जाते थे, फौरन वो पूरे का पूरी इमारत क्या है वो नाबूद हो जाती थी, गिर जाती थी। तो फरमाते हैं कि जब इस तरह हुआ तो हजरत दाऊद अल्लाह की बारगाह में शिकवा करते हैं, और अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ दाऊद, ये मेरा जो घर है उसके हाथ से कभी भी इसकी इमारत खड़ी नहीं होगी जिसके हाथ से मेरे बंदों में से किसी बंदे का खून बहा हो, यानी वो शख्स जिसके हाथों से किसी इंसान का कत्ल हुआ है, किसी इंसान का खून बहाया गया है, मेरा घर उसके हाथों से किसी सूरत में नहीं बन सकता। तो कहते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, परवरदिगारा, क्या ये जो भी मैंने किया है, कत्ल ठीक है किया है जंग में, क्या ये तेरी राह में किताल नहीं था? सवाल किया, परवरदिगारा, ये तेरी राह में क्या किताल नहीं था, वो तेरी राह में जिहाद नहीं था? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, दाऊद, मेरी राह में जिहाद था, मेरी राह में किताल था, बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन क्या वो मेरे बंदे नहीं थे जो कत्ल हुए हैं? क्या वो मेरे बंदे नहीं थे? दाऊद से अल्लाह ताला ये फरमाता है। फिर उसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से चाहा कि बैतुल मुकद्दस की अगर बुनियाद, दुआ की कि बैतुल मुकद्दस की आप बुनियाद रखना चाहते हैं तो फिर मेरी किसी नस्ल से हो। तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने वही की दाऊद पे कि तेरा बेटा जो सुलेमान है वो आके बैतुल मुकद्दस की इमारत को तामीर करेगा। तो कहते हैं कि इस हिकायत को नकल करने का हदफ ये था, बताना ये था कि किस कदर अहमियत रखता है वो इंसानी मर्तबा जो अल्लाह ने इंसान के अंदर जो दरूनी उसकी सूरत रखी है, जो इलाही सूरत है, उसका किस कदर एहतराम और अहमियत है। तो फरमाया कि इससे ये पता चलता है कि उसकी हिफाजत मुकद्दम है उसकी नाबूदी पर। अब फरमाते हैं कि
इब्ने अरबी के जिहाद अल्लाह की राह में जिहाद में किसी किस्म की तर्दीद नहीं है, शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि अल्लाह की राह में जिहाद होना चाहिए। जो नबी के जिंदगी अंबिया औलिया उनके हाथों में जो कताल हुए हैं क्या कहते हैं जंगे हुए हैं वो अल्लाह की राह में थी, इसमें किसी किस्म की तर्दीद नहीं है। लेकिन जो माबद है इबादत गाह है अल्लाह ताला की, चाहे वो खाना काबा है चाहे बैतुल मुकद्दस है, तो फरमाते हैं कि वो अल्लाह ताला की रहमत खासा का मजहर है। तो जब अल्लाह माबद अल्लाह की रहमत खासा का मजहर है तो ज्यादा मुनासिब ये है कि उसकी बुनियाद उसके हाथों ना हो जो मजहब कहारियत हो, मजहब कहर हो, बल्कि उसके हाथों में हो कि जिसके अंदर रहमत ज्यादा जाहिर हुई हो, जिसके अंदर रहमत इलाहिया का गलबा। तो फरमाते हैं कि हमारे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला की रहमत खासा का मजहर थे, लिहाजा हमारे पैगंबर ने अपने हाथों से किसी को कत्ल नहीं किया। आप तारीख में उठाएं जितनी जंगे पैगंबर ने की हैं तो आपको नहीं मिलेगा कि पैगंबर ने किसी जंग में अपने हाथ से किसी को कत्ल किया हो। सारे हजरत अली इब्ने अबी तालिब दूसरे सहाबा इकराम उनके हाथों में जंग हुई है दूसरों के साथ, तो जो जंगे हुई हैं उन लोगों ने कत्ल किए हैं उन लोगों ने, लेकिन पैगंबर के बारे में नहीं मिलेगा कि हमारे पैगंबर ने भी अपने हाथों से किसी को कत्ल किया। तो कहते हैं कि वो भी उसकी वजह भी यही है कि वो रहमत एक खासा इलाहिया का मलाइक है, लिहाजा उसके हाथों में किसी इंसान का कत्ल नहीं हो सकता था। इब्ने अरबी ने ये फतूहात में, अलबत्ता ये चीज इब्ने अरबी ने फतूहात में बयान किया, ये पहला शाहिद लेकर आते हैं कि किस कदर अहमियत रखता है वो मर्तबा इंसानी के, जो इंसान के अंदर अल्लाह ने उसकी दरूनी सूरत दरूनी जो इलाही है उसको जो अल्लाह ताला ने जब इंसान के अंदर रखा है तो उसकी किस कदर अहमियत हो एहतराम है। दूसरा शाहिद कुरान से लाते हैं कि कुरान में ये है कि जब वो दुश्मनान दीन और कुफार के साथ सुलह और जिजिये की बहस होती है तो उसमें फरमाते हैं पैगंबर को हुक्म होता है वइन जनहू लिस्सलमे फजर अला व तवक्कल अला अल्लाह, सूरह अनफाल आयत नंबर 61 कि ऐ रसूल अगर ये अपनी रगबत से तेरी तरफ सुलह का हाथ बढ़ाएं तो तुम भी उनकी तरफ सुलह का हाथ बढ़ाओ और अल्लाह पे तवक्कल करो, और जो तुझसे वो सलामती और सुलह चाहते हैं उन्हें अता करो। तो कहते हैं कि यहां पे भी मुकद्दम सुलह है, अल्लाह ताला ने तरजीह क्या है वो सुलह को दी है, तरजीह कताल को तरजीह नहीं है कि मर्तबा इंसानी को नाबूद करने का किसी को हक नहीं दिया अल्लाह। अब तीसरा शायद वो कहते हैं कि जब किसास का हुक्म होता है कि जब कोई इंसान किसी दूसरे को इंसान को कत्ल करता है तो अल्लाह ताला ने कुरान में आया कि आप किसास कर सकते किसास करें या फिर उसने आफ कर दें, तो ये भी हुआ कि आफ करेंगे तो बेहतर है माफ करना है। तो कहते हैं कि जहां पे किसास का हुक्म बयान हुआ है वहां पे दो हुक्म और भी बयान हुए हैं, जहां पे अल्लाह ने फरमाया वाला कुम फिल किसास हयात हो या उले किसास में तुम्हारे लिए हयात है। तो फरमाते हैं कि किसास के साथ साथ दो हुक्म और भी बयान हुए। पहला हुक्म जो बयान हुआ है वो सुलह का और फिदिया लेने का, ठीक है,
जितनी मकदार आप राजी होते हैं, अगर अगर मुसलमानों की सरजमीन पे कोई काफिर रहता है तो काफिर को जिजिया देना पड़ेगा इस्लामी हुकूमत, तो जिजिया भी वो हाकिम के रजायत से जो भी वो मुयन करे, वो टैक्स लगाए मिसाल के तौर पे कि एक मुसलमानों की हुकूमत है तो कहे कि मसलन दूसरे अगर अधियान रह रहे हैं तो जिजिया दे मिसाल के तौर पे। तो जिजिया का हुक्म है पहला हुक्म। अच्छा, अब जहां पे कत्ल की बात होती है तो कत्ल में यह किसास करें, और किसास के साथ अल्लाह ने फरमाया कि जितनी मकदार राजी दूसरे औलिया होते हैं उतनी मकदार फिदिया लेकर माफ कर दे, सुलह कर दे। जैसे कि आजकल पाकिस्तान में अक्सर जगह पे यही होता है कि अगर कोई किसी का कत्ल हो जाए तो कत्ल में होता ही है, ज्यादातर यही होता है कि कत्ल में सुलह हो जाए। सुलह यह है कि पंचायत जो होती है वो बैठ जगह बैठता है, पंचायत बैठती है, वो जो भी शरीयत में एक मकदार मुअय्यन है उसकी क्या कहते हैं देयत की, लेकिन ये देयत नहीं होती, देयत तो एक मुअय्यन है जो अल्लाह ताला पे शरीयत में मुअय्यन चीज की गई है। लेकिन ये होता है कि जितना मकदार वो राजी हो जाए, औलियाए दम जिनको कहा जाता है कि वो वारिस जो है वो मिसाल के तौर पे कहते हैं कि हमें 1 करोड़ रुपया दे दे, ठीक है, 20 लाख 50 लाख दे दे। अब ये रजायत तरफेन से जो मामला अंजाम पाता है इसको सुलह या जिजिया कहते हैं, फिदिया कहेंगे, जो भी जो रजायत से जो अंजाम पाता है उसको। तो कहते हैं जहां किसास की बात हुई है वहां सुलह की बात भी शरीयत में की गई। ये पहला हुक्म। दूसरा हुक्म ये किया गया है कि आप ये भी ना करें, आफ कर दें, आफ दरगुजर माफ कर दें, ठीक है, कातिल के पास नहीं है पैसे, फिर यह नहीं देख सकता दे करता है। तो कहते हैं कि अगर कातिल जब फिदिया नहीं देगा या वो औलियाए दम जब अफ नहीं करेंगे, दो सूरतों में ये जो दो हुक्म है सुलह फिदिया और अफ, अगर अगर अफ भी नहीं करता वो वारिस माफ भी नहीं करते और कातिल फिदिया भी नहीं दे सकता तो फिर किसास होता है। किसास का हुक्म इन दो सूरतों के बाद है। अच्छा, तीसरा शायद वो चौथा शायद वो लाते हैं, कहते हैं कि जहां पे औलिया वारिस मुतअद्दिद हूं, इब्ने अरबी एक चीज लाते हैं शरीयत से लाते हैं, ये मिसाल एक कत्ल हुआ, अब उस मकतूल के मुतअद्दिद वारिस हैं, ठीक है, उन मुतअद्दिद वारिस में से एक वारिस देयत पे राजी हो जाता है और अफ पे राजी हो जाता है कि देयत लेकर अफ कर दे, माफ कर दे, लेकिन जो दूसरे वारिस हैं वो कत्ल के ऊपर इसरार करते हैं, वो कहते हैं नहीं किसास करेंगे। तो कहते हैं कि यहाँ पे हुक्म क्या होगा, अब एक मामला है कोर्ट में साल को, कातिल जो मकतूल है उसके वारिस 3 हैं, ठीक है, एक वारिस माफ कर रहा है कातिल को, बाकी नहीं कर रहे, तो ये फरमाते हैं कि जो अफ कर रहा है उसको मुकदम हो, उसकी उसके कौल को मुकदम किया जाएगा, उसका कौल मुकदम होगा और कातिल को किसास नहीं कर सकते आप, जो क्या कहते हैं जज बैठा है वो किसास नहीं करेगा कातिल को, वो उसको सलाए मौत का हुक्म नहीं दे सकता, क्यों, चाहे 3 का वारिस है, एक वारिस माफ कर रहा है, 2 नहीं कर रहे, तो जो माफ कर रहा है उसके कौल को मुकदम करके उसको कातिल को सलाए मौत नहीं किया जाए। तो कहते हैं कि अलबत्ता इसमें भी रवायात इस चैप्टर में मुख्तलिफ हैं, अलबत्ता मशहूर जो फुकहा के दरमियान वो यही बात ये है कि किसास साकित नहीं होगा, लेकिन शेख हुर्रे आमली वसाइल शिया में उन्होंने बाज आइम्मा आलुल बैत से रवायतें नकल की हैं और उसमें उन्होंने यही बात किया है कि आफ मुकदम हो, वो माफ जो कर रहा है उसके कौल को मुकदम किया जाएगा। ये एक
शाहिद इब्ने अरबी लेके आते हैं कि वो मर्तबा इंसानी वो मुकद्दम है, वो मुहतरम है, उसको किसी को इख्तियार नहीं है उसको नाबूद करने का सिवाय हक। फिर पांचवा पांचवा जो लाते हैं, पांचवे में कहते हैं कि एक वो दास्तान जिक्र करते हैं, एक वाक्या वाक्या कहते हैं कि एक शख्स बियाबान में वो लकड़ियां जमा करने की के लिए गया ताकि आग जलाए। आगे देखा कि बाद में यानी बियाबान में जंगल में चला गया, जंगल में लकड़ियां जमा करने के लिए गया और वहां पे मकतूल पाया गया। वहां पे जाके जैसे बियाबान में होता है जंगल में लोग जिनकी लाशें मिलती हैं, तो कहते हैं कि जो वारिस हैं, वारिस इस मकतूल के, तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि इसको जिस रस्सी से मारा गया है या जिस असले से मारा गया है वो एक शख्स के हाथ में वहीं पे देखते हैं। अब देखा तो उसने ये चाहा कि उसको कत्ल कर दे, शख्स जंगल में उसकी लाश पड़ी थी, उसी जंगल में देखा एक शख्स के हाथ में असला। अब जो मकतूल का वारिस है उसने चाहा कि उसने समझा कि हतमन इसी शख्स ने कत्ल किया है, तो वो उसे कत्ल करना चाहा, वो उसे कत्ल करना चाहता था। तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर वो शख्स उस शख्स को कत्ल कर देता, वो वारिस उस शख्स को कत्ल कर देता तो उसके साथ भी वही मामला होता, यानी वो भी कातिल शुमार। क्यों? क्योंकि सिर्फ असले का होना किसी के हाथ में वो दलील नहीं बनता भी है और एहसास को साबित नहीं करता। तो इब्ने अरबी इस वाक्या को भी मुकद्दम करते हैं कि पैगंबर ने फरमाया कि वो उसको हक नहीं है कि वो उसको कत्ल करे। आप फरमाते हैं कि इसके बाद इब्ने अरबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सूरह शूरा में जो अफ करने वाला है, वो बख्शने वाला है, जो बख्शने वाला है उसके अजर को अपने ऊपर शुमार किया, फरमाया उसका अजर अल्लाह के ऊपर है। ये इसकी क्या क्या वजह है? कहते हैं कि इसकी वजह भी यही है कि इंसान अल्लाह की सूरत के ऊपर खल्क किया गया। तो कहते हैं कि जो शख्स उसको उससे दरगुजर कर देगा, उसको माफ कर देगा और उसे नहीं किसास नहीं करेगा तो उसका अजर उसके ऊपर है कि जिसकी सूरत के ऊपर वो शख्स था, और वो कौन है? वो अल्लाह ताला की जात है। तो कहते हैं कि वही शायस्ता है अफ के। लिहाजा क्यों क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उस इंसान को अपने लिए और अपनी असमा व सिफात जो उसके वसीले से, तो उसके यानी अल्लाह ताला ने उस शख्स को कि जिससे उसकी असमा व सिफात का जहूर होता है अल्लाह ताला ने उसे अपने लिए खल्क किया है। लिहाजा फरमाया हदीस कुर्सी में कि ऐ फरजंद आदम अशिया को तेरे लिए खल्क किया है और तुझे मैंने अपने लिए खल्क किया है। ये बात करके अब इब्ने अरबी अगले अगले जो नुक्ता फरमाते हैं तो ये फरमाते हैं कि दरगुजर करने वाले का जो अल्लाह ताला ने फरमाया अज्र मेरे ऊपर आए, ये अल्लाह ताला ने
जो बात की है ये इस वजह से किया है कि ये उसका बंदा है और उसके इसमें जाहिर का मजहर है, लिहाजा उसकी पादाश भी हक ताला। तो इंसान की रियायत दर हकीकत हक की रियायत है। क्यों? क्योंकि इंसान मजहर हक और मजहर इसमें जाहिर है, उसके इसमें जाहिर का मजहर है। ये जहां तक जब बात करते हैं ये सारे शायर, तो अब एक बात जो बयान फरमाते हैं बड़ी, यानी आखिर में एक बात जो करते हैं इब्ने अरबी, वो ये करते हैं, मुकायसा कर देते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम का और हजरत यूनुस का। फरमाते हैं कि सब्र नूह को अल्लाह ताला ने, कि अल्लाह नूह ने 900 सदियों से ज्यादा अपनी कौम के मुकाबले में सब्र किया, और इस सब्र को अल्लाह ताला ने कुरान में पैगंबर से भी ये फरमाया कि आप भी नूह के सब्र की तरह आप भी साबिर बने। फसबिर कमा सबर औलुल अज़्म मिनर रुसुल वला तस्ताजिल लहुम। ये बात करके फरमाया कि आप नूह की तरह साबिर हूं, वला तकुन का साहिबिल हूं, यूनुस की तरह ना बने कि जिसने अपनी उम्मत के मुकाबले में सब्र नहीं किया। साहिब अलहूत यानी वो साहिब मछली हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। अब कहते हैं कि इब्ने अरबी फरमाते हैं कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की सीरा में उम्मत से कम लुत्फी मिलती है, कि उम्मत अपनी उम्मत पे इन्होंने कम लुत्फी किया है, कम मेहरबानी किया है यूनुस अलैहिस्सलाम। तो लिहाज़ और अल्लाह ताला चूंकि जो मैंने शवाहिद बयान किए हैं, इन शवाहिद की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने रऊफत और शफकत को शाइस्ता करार दिया है, और इस रऊफत और शफकत अपने यानी बंदों पर जो मेहरबानी और शफकत है, इन इसको तरजीह दी है इंसान के, इस चीज को अल्लाह ताला ने तरजीह दिया है कि आप मेरे जो बंदे हैं अब्दे इलाही या इबादे इलाही हैं, तुम उनके मुकाबले में रऊफत तो मेहरबानी से पेश आओ, ना कि उनके मुकाबले में गैर साबिर बनो, बल्कि और ना ही उनके मुकाबले में मिसले साहिब हूत बनो, बल्कि उस तरह बनो जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र किया था। तो इससे एक बात ये भी पता चलती है कि जो हम इंसानों अपनी सीरत में लोग क्या कहते हैं कि छोटी छोटी बातों पे सब्र का दामन, मुख्तलिफ जिंदगी के मामलात, लोगों के सामने जो तालीम इरशाद हिदायत में जो लोग सब्र का दामन छोड़ देते हैं, तो ये बात भी इरफानी तालीमात के साथ साजगार नहीं है, कुरानी तालीमात के साथ साजगार नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला उम्मत पे रऊफत मेहरबानी को तरजीह देता है। कि अल्लाह ये फरमाता है कि तुम्हें, जिस तरह पैगंबर के बारे में फरमाया कि या पैगंबर के बारे में फरमाया कि या अय्युहन नबी लौ कुंत फज़्ज़न ग़लीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ु मिन हौलिक, आप सख्त बनेंगे ये तुम्हारे इर्द गिर्द से लोग भाग जाएंगे, इनसे नरमी से पेश आओ। तो ये जो नरमी, ये वही रऊफत और मेहरबानी है जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। और फरमाते हैं कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये काम नहीं किया, नूह ने किया, यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये दामन छोड़ दिया था। तो अलबत्ता क्या कहते हैं, फिर दूसरे जो उलमा उन्होंने इब्ने अरबी पे एतराजात किए इस बारे में, मुतकल्लिमीन दूसरे लोग, कि नहीं आप ये बात दुरुस्त नहीं कह रहे कि
नहीं है कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो जो इंसान की जो जात असले जात वही रूह और नफ्स नातिका है उसके मुकाबले में वो उन्होंने कम लुत्फी किया, इस तरह नहीं है। बल्कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के आमाल और अफआल को देखकर उन्होंने उस कौम के लिए बद्दुआ की। तो फरमाते अलबत्ता इसको फिर लोगों ने दलीलें दी हैं, फलसफी भी है, कलामी भी है, इब्ने अरबी की इस बात को के खिलाफ कि नहीं ये बात हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में सही नहीं है। वजह यह है कि अलबत्ता चूंकि लोग और जो वाकई आलिम है या फकीह है या मुतकल्लिम है तो वो बिलाखिर एक अकीदा रखते हैं नबी अंबिया औलिया के बारे में, तो जो भी बात उसके खिलाफ जाएगी तो वो कभी भी उसे कबूल नहीं करेंगे। लेकिन इब्ने अरबी के नजरियात में ऐसी बातें मिल जाती हैं, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम अपनी दावत में नाकाम हो गए, ये इब्ने अरबी बात कर सकते हैं। इसी पे फिर और दूसरे उलमा ने उसकी मुखालफत की है कि ये नबी के बारे में ये बात करना दुरुस्त नहीं है। यहाँ भी कहा कि यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में जो बात की है, यूनुस अलैहिस्सलाम का जो गुस्सा था वो उस मर्तबा के मुकाबले में नहीं था, बल्कि वो इंसान के फेल के जो उम्मत का फेल था उसके मुकाबले में था। तो वो कोई अंबिया औलिया और अल्लाह ताला का क्या कहते हैं हुक्म भी है जो खुद मुख्तलिफ आयात अहदीस चीज़ें मिलती हैं। तो ये बहरहाल वो एक दूसरी इरफानी बहस नहीं होगी, कोई दूसरी बहस होगी। तो ये यहाँ तक एक चैप्टर करामत नफ्स इंसानी, नफ्स इंसानी की करामत और तकरीम के बारे में ये गुफ्तगू थी इब्ने अरबी की, जो इस फस में भी किया है और फतुहात में भी बातचीतें उन्होंने जिक्र किए। इसके बाद जिक्र की बात करते हैं कि जिक्र को अफजलियत है, तरजीह है, जिक्र अफजल है जिहाद के ऊपर। जिस तरह यहाँ पे फरमाया कि नहीं, इंसान को दरगुजर करना उसको कत्ल करने पे तरजीह रखता है, वैसे अगला जो नुक्ता है वो यह है कि जिक्र अफजल है जिहाद से। तो यहां से फिर जिक्र की बात शुरू कर देते हैं, जिक्र की बहस, उसमें जिक्र मतलूब, जिक्र हकीकी, मतलब फिर मरातिब जिक्र बयान करते हैं, फिर जिक्र हक का जो मरातिब तकवीन में असर है उसको भी बात करते हैं, जुबान के जिक्र की, जिक्र गाफिल है, जिक्र गफलत की बहस करते हैं। इसी तरह ये फिर वो जिक्र यूनसिया जो मशहूर है, फिर आखिर में वो मौत की हकीकत के ऊपर गुफ्तगू करते हैं और रजात के ऊपर भी गुफ्तगू। तो इसमें ये एक मेरे ख्याल में एक थोड़ी सी इलमी बहसें ज्यादा हैं, तो हम इंशाल्लाह 2-3 नशस्तें और इस फर्श के ऊपर करेंगे। ये थे इब्ने अरबी। तो इब्ने अरबी के जो मेन नजरियात हैं यही फसूस में फतुहात में, लिहाजा इब्ने अरबी की किताबें बहुत ज्यादा, एक अपना लाहन है इब्ने अरबी की किताबों। दूसरी किताबें अगर जहाँ शक होता है कि उनकी किताब है या नहीं, तो जो साहिब तहकीक है वो लाहन से ही समझ लेते हैं कि ये शायद ये उनकी किताब हो या ना हो मिसाल के तौर पर। तो उनका एक खास अंदाज है बात करने का, वहाँ से एक लफ्ज़ शुरू करेंगे, एक लफ्ज़ से उस जो जाहरी लफ्ज़ है उसके जाहिर से लेकर बातिन की इतनी गहराई में चले जाएंगे कि वहीं से सारे जो गौहर हैं वो सारे के सारे निकाल के सामने पेश कर। तो ये थी इनके मुतालिक, अब कोई सवाल है तो अगर थोड़ा सा जरा बताएं कि और उलमा ने और जो आपने जिक्र किया है, लेकिन उसको थोड़ा सा इलेबरेट कर दें कि क्या तनकीद क्या है, किन किन नुकात पे तनकीद है इब्न अरबी की जो इस फर्ज में, और क्यों तनकीद।
तनकीद यही जो तनकीद तनकीद इब्ने अरबी की ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में ये इस तरह के अल्फाज कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के मुकाबले में कम लुत्फी की, कम मेहरबानी की, न समझ सके उनकी मर्तबा इंसानी का, नहीं कि मर्तबा इंसानी को, उस मर्तबा इंसानी को छोड़ दिया, उसको उससे मुंह मोड़ा। तो ये एक नबी के बारे में ये बात करना, ये चूंकि एक नबी के बारे में एक पहले से अकीदा है कि अंबिया ये चीज़ें हो सकती हैं, उनमें नहीं हो सकती, उस अकीदे की बुनियाद पर फिर इन चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं या इख्तलाफ कर देते हैं अपने अभी से। फिर अभी ये जो बात, ये जो बहस हुई है कि क्या कहते हैं किसास, किसास और इसके ऊपर कत्ल के ऊपर, तो ये फिका फुकहा और शायद इनका कुछ फुकहा इनके नजरिए के साथ मुताबकत होगी और कुछ फुकहा मुखालिफ भी होंगे। अच्छा, इसका एक आखिर में एक, हाँ, इसमें जो अहम बहस है इस फासले में जो हम जिक्र करेंगे वो अहम बहस है सबसे, वो पहले भी जिक्र कर सकते हैं लेकिन वो इससे अहम है, वो अजाब, अजाब के आखिरत में का जो अजाब होगा ये मुनक़ते हो जाएगा या नहीं, ये अबदी रहेगा। अब इसमें भी इख्तलाफ है। अब इब्ने अरबी फरमाते हैं कि ये सारे के सारे जहन्नम खाली हो जाएगी, जितने भी काफिर मुशरिक मोमिन मुनाफिक सारे हैं वो खाली हो, आखिर में खाली हो जाएगी। पहले थोड़ा बहुत तो सबको सलाई मिलेंगी, जहन्नम भी लजीज बन जाएगी, जन्नत भी, और आखिर में जहन्नम को ख़त्म कर दिया जाएगा और खलूद अज़ाब के हम फिया खालिदून, इसके वो मुनकर है। तो यहाँ मुतकल्लमीन और इनके दरमियान, मुफस्सिरीन इनके दरमियान उस नज़रिए में बड़ा इख्तलाफ वहाँ पे है, उस नज़रिए इस फासले।